हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल तरीके से कैरी किस तरह बनाई जाती हैं। हमने कैरियों को काट के धो लिया है और एक कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया है। तेल हमने जो बड़ी स्पून होती है सब्ज़ी वाली, वो हमने 1 से 1.5 चम्मच ली है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच मेथी। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें हम इन धुली हुई कैरियों को डाल देंगे। इन्हें हम 5 से 7 मिनट तक हिलाते हुए पकाएंगे ताकि ये इक्वली सिक जाएं। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कैरियों ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। देखिए, जब कैरी अच्छी तरह सिक जाएंगी तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो जाएगा। अब आप इसमें मसाले डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। उसके बाद टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। अब हम इनको मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर इसको इसी तरह चलाते हुए सिकने दीजिए ताकि मसाला कैरियों में अच्छी तरह चला जाए। और अगर आप इसको और भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप कैरियों को बॉईल कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह इनको छौंक लीजिए। ये देखिए, अब हम देखेंगे कि कैरी गल चुकी है, यानी अगर कैरी नहीं गलती है, टाइट है थोड़ी सी, तो आप 1 से 2 मिनट के लिए और इसे बनने दीजिए और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी कैरी बनके तैयार हैं। ये देखिए, ये कैरियाँ हमारी बनके तैयार हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, टेस्टी कैरी बनके तैयार है। तो टिल देन, बाय।